तो तस्वीरें देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा का रोड शो। करनाल लोकसभा से उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में। आज हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इस समय करनाल लोकसभा में अपना रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा का आज रोड शो है, और आप देख सकते हैं रोड शो में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं एमपी उम्मीदवार है मराठा वीरेंद्र वर्मा। वर्मा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज रोड शो निकाल रहे हैं करनाल में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, लोकसभा उम्मीदवार है आप करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई मैं तो अभी बाहर आया हूँ, आप देख रहे हैं अपने आप ही देखो कैसा माहौल है, लोगों में एक फरवर जागा हुआ इस टाइम कि उन दोनों को हराएंगे और हम लोकल हैं यहाँ के और हमें इस बार जिताएंगे। एक तरफा चुनाव होगा, उठता जा रहा दिन ब दिन। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, हालांकि एक एसएससी चेयरमैन की नियुक्ति की है सरकार ने, उसको किस तरह से समझते हैं? ये कितनी नियुक्ति कर लो, कितनी अदर बदल कर लो, इस टाइम इनके जाने के दिन आ गए हैं भाजपा के, ठीक है। कांग्रेस के लिए तो लोगों के मन में वही खटास है जो आज से 10 साल पहले थी, क्योंकि इन्होंने ना अपनी मक्कारियाँ छोड़ी हैं, ना बेईमानियाँ छोड़ी हैं, ना चलाकियाँ छोड़ी हैं। लेकिन हिम्मत सिंह जी को चेयरमैन बनाने पर रोड धर्मशाला में लड्डू भी बांटे गए और ये भी कहा गया कि हम सरकार को पूरा समर्थन करेंगे, समाज के लोगों ने कहा। कौन है हिम्मत सिंह? हिम्मत सिंह जो रोड समाज से है जिनको चेयरमैन बनाया गया। मैं जानते ही नहीं कौन है, मैं ही नहीं जानता हिम्मत सिंह कौन है। जनता से क्या अपील करेंगे हम? जनता से तो यही कहेंगे भी उठो सारे के सारे और इन बार वालों को यहाँ से निकाल लो और बड़े लोकल को बनाओ। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आप गांव में जा रहे हैं? अब तो मेन मुद्दा हमारा लोकल को बनाओ, बाहरियों को बनाओ। समय तस्वीरें देख सकते हैं रोड शो निकलता हुआ जंजाड़ी गांव से नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के जंजाड़ी से देख सकते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा का रोड शो आज करनाल लोकसभा में निकल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के रोड शो में बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो इस समय मौजूद है, और रोड शो जो है आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा में निकाला जा रहा है। करनाल लोकसभा करनाल से आज जंजाड़ी से जो है ये रोड शो निकल रहा है, करनाल के काछवा में पहुंचेगा और उसके बाद जो है सभी गांवों से होता हुआ पानीपत की तरफ भी जाएगा। ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं किस तरह से रोड शो में बड़ी संख्या में जो युवा नौजवान है वो भी रोड शो में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के रोड शो में शामिल है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं जी? बहुत बढ़िया माहौल है, एक ही तरफ माहौल है, बाहरी को भगाना है, अपने को बनाना है, वोट फॉर लोकल। आप देख सकते हैं कैसा माहौल देख रहे हैं भाई, अब की बार अपने को बनाना है, बारी को बनाना है, मराठे वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद। आप देख सकते हैं रोड शो में बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो इस समय मौजूद है, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं तमाम गाड़ियां इस समय मराठा वीरेंद्र वर्मा के रोड शो में शामिल होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं रोड शो में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के रोड शो में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से रोड शो निकाल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज करनाल की जनता और पानीपत की जनता ने मन बना लिया है, आज लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला सभी करनाल वासी मराठा जी के पक्ष में आज लेकर के आए हैं, और करनाल की जनता ने इन बाहरियों को भगाने का एक मन बना लिया है, इनको यहां से खदेड़ेंगे। एक मोदी जी गारंटी देने दे रहे हैं पूरे देश को, लेकिन हमारी मराठा जी की एक गारंटी है कि आप मुझे चुनिए, यहाँ से जो बाहरी प्रत्याशी आ जाते हैं इनका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, आज के बाद यहाँ से कोई बाहरी प्रत्याशी चुन इधर देख भी नहीं सकेगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा का रोड शो समय करनाल के जंजाड़ी गांव से निकलता हुआ नजर आ रहा है, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इस समय मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल लोकसभा से एमपी के उम्मीदवार हैं, एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार।
आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो जो है पूरे करनाल शहर से होता हुआ निकलेगा, ग्रामीण इलाकों में होता हुआ निकलेगा। आप देख सकते हैं कैसे दो शोरूम से अभी देखा जा सकता है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा का रोड शो, करनाल लोकसभा से उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में। आज हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इस समय करनाल लोकसभा में अपना रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं।